Good morning, children. Today we will do an activity under class 3 EVS, chapter number 2, the plant fairy. Okay, now listen carefully. Today you have to become a reporter. Now tell me, what does a reporter do? Yes, he or she interviews the people. वो लोगों के इंटरव्यू लेता है एंड मेक्स रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू इट. उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अपनी रिपोर्ट तैयार करता है. ठीक है, तो आज आपको भी यही काम करना है. आपको इंटरव्यू लेना है अपने फैमिली के बुजुर्ग लोगों का और उनसे नीचे लिखे हुए क्वेश्चंस पूछने हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछने हैं. Were there any plants which they have seen when they were children? क्या ऐसे कोई पेड़ पौधे हैं जो उन्होंने अपने बचपन में देखे थे but are not seen these days? लेकिन अब वो उनको आजकल नहीं दिखाई देते हैं. If yes, next question है कि अगर हाँ ऐसे कोई पौधे हैं जो उनको बचपन में दिखाई देते थे लेकिन अब नहीं दिखाई देते हैं तो उनके नाम बताइए. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में उनके नाम लिखने. थर्ड क्वेश्चन, इज देयर एनी प्लांट दैट दे हैव हर्ड ऑफ बट नेवर सीन? क्या ऐसा कोई पौधा है, पेड़ पौधा है जिनके बारे में उन्होंने सुना तो है बट उन्होंने उसे कभी देखा नहीं है. टेल इट्स नेम. क्वेश्चन नंबर 4, आर देयर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दीज डेज बट वर नॉट सीन अर्लियर? लेकिन पहले नहीं दिखाई देते थे, आजकल दिखाई देते हैं, ऐसे कोई पौधे हैं जो वो आजकल देख रहे हैं लेकिन उनके बचपन में नहीं दिखाई देते थे. फिफ्थ क्वेश्चन, हैड दे एवर ग्रोन एनी प्लांट इन देयर लाइफ? क्या उन्होंने अपनी लाइफ में कोई पेड़ पौधे उगाए हैं? यदि हाँ तो उनके नाम बताइए. लास्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी ग्रो ट्रीज एंड प्लांट्स? हमें अपने चारों ओर पेड़ पौधे क्यों उगाने चाहिए? तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर आपको अपने परिवार में बड़े लोगों से पूछने हैं. आपसे पेड़ पौधे के बारे में पूछूंगा, आप बताओगे? हाँ बताऊंगी बेटा. दादी माँ, आपके टाइम में कोई ऐसे पेड़ थे जो अब नहीं दिखाई देते हैं? हाँ, अखोड़ है और बादाम है, अखोड़ है और पुलुम है और ये क्या कहते हैं वो नाशपाती है. अच्छा अच्छा दादी माँ, अब बताओ वो पेड़ कौन कौन से हैं? अखोड़ है, पुलुम है और नाशपाती है. अच्छा दादी माँ, ऐसे पेड़ भी हैं जो आपने नाम सुना हो पर देखा ना हो? हाँ बेटा, वो मैंने क्या कहते हैं बादाम का पेड़ का नाम सुना है, वो देखा नहीं है. हाँ. अच्छा दादी माँ, ऐसे पेड़ भी हैं जो आपके समय में नहीं थे अब है? नहीं. दादी माँ, आपने कभी कोई पेड़ लगाए हैं क्या? हाँ, बहुत सारा पेड़ लगाए हैं. पुलुम लगाए हैं, खुमानी लगाए हैं, आरू लगाए हैं, अखोड़ लगाए हैं, बहुत सारे लगाए हैं बाबू. दादी माँ, हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है? हवा मिलती है, लकड़ी मिलती है, घास मिलती है, फल मिलता है, छाया मिलती है, बहुत सारा चीज मिलती है बाबू उनसे. ठीक है, धन्यवाद. कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपने बचपन में देखे हैं लेकिन अब नहीं दिखते हैं? ऐसे कोई पेड़ पौधे नहीं है जो हमने बचपन में देखे वो अभी भी दिख रहे हैं. अब पूछ क्या है? वो उनका उनका नाम बताओ. पता नहीं. बताइए पौधे के नाम. बचपन में जो देखे वो बाग है, ब्रूस है, केले है, सब पौधे पहले की तरह है.
क्या कोई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनका नाम सुना हो पर देखा नहीं है? हाँ, ब्रह्म कमल का नाम सुना है मगर देखा नहीं। ऐसे पेड़ पौधे हैं जो बचपन में नहीं देखे देखे थे और अब दिखते हैं। बहुत सारे पौधे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, वो पहले भी देखे आज भी दिख रहे हैं। उनका नाम बताइए। पौधों का नाम पौधे बता दिए मैंने तेरे को। आलू है, ये फुमानी है और सेब है ये। क्या आपने जीवन में कोई पेड़ पौधा लगाया है? हाँ लगाए हैं। उनके तो उनके नाम बताइए। बांस के पेड़ लगाए हैं अपने बगीचे में और अमरूद के पेड़ लगाए हैं, ब्रूस के पेड़ लगाए हैं, बुलास के। अपने चारों ओर पेड़ पौधे क्यों लगाने चाहिए? पेड़ पौधों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, आई एम चैतन्य गांडा, क्लास 3rd B। टुडे आई बिकम अ रिपोर्टर एंड आई विल टेक अ शॉर्ट इंटरव्यू फ्रॉम माय ग्रैंडपेरेंट्स अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज। अब शुरुआत करें। दादी, मैं आपसे पेड़ पौधों के बारे में पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो बेटा। दादी, क्या ऐसा कोई पेड़ या पौधा है जो आपने बचपन में तो देखा था लेकिन वह अब नहीं? पयों का पेड़ हो गया, रिप्फू का पेड़ हो गया, और ये बहुत ही पेड़ देखे हैं आप, कम दिखाई देते हैं। दादी, क्या ऐसा कोई पेड़ या पौधा है जिसका आपने नाम तो सुना लेकिन देखा नहीं? इलिच का पेड़ सुना है और ना दाना देखे हैं, और ये बादाम के और नारियल के आप पेड़ नहीं देखे। क्या ऐसा कोई पेड़ या पौधा है जो आजकल तो होते हैं लेकिन पहले नहीं दिखते थे? ये मेरे को पता नहीं है। क्या आपने कोई पेड़ या पौधे उगाए हैं? हाँ, बहुत सी चीज उगाए हैं, आलू, खुमानी, नींबू, और सब्जी के लिए गोभी और शिमला मिर्च, मटर, बहुत चीज उगाए। हमें पेड़ पौधे क्यों उगाने चाहिए? उगाने चाहिए मतलब सब्जी के लिए भी हो जाते हैं पेड़, और हवा के लिए भी हो जाते हैं, बहुत चीज, पानी भी मिलता है, बहुत चीज मिलता है हमको पेड़ उगाने से। धन्यवाद। आप नाना जी, आपसे मैं कोई पेड़ पौधों के बारे में पूछूंगा, आप बताओगे? हाँ बताऊंगा। आपने आपके टाइम में कोई ऐसे पेड़ पौधे जो अब नहीं दिखाई देते हैं? हाँ, ऐसे पेड़ पौधे हैं जैसे पहले पहले अखरोट था, नींबू था, संतरा था, पुलुम थे, खुमानी था, लेकिन अब वो बहुत कम मात्रा में दिखाई देते हैं। ऐसे पेड़ भी हैं जो आपने नाम सुना हो पर देखा ना हो? वो पेड़ कौन कौन से हैं? वो पेड़ यही मैंने बताया जो तेरे को, आड़ू हो गया, पुलुम हो गया, नाशपति हो गई, खुमानी हो गया ना, ऐसे पेड़ भी हैं जो पेड़ आप ऐसे पेड़ भी हैं जो नाम सुना है और देखा नहीं है। ऐसे पेड़ होते हैं लेकिन वो यहाँ पर नहीं होते हैं, वो प्लेन्स में होते हैं, जैसे कौन, इमली, नारियल, बादाम, लेकिन ये पेड़ हमने नाम सुना है लेकिन यहाँ पर हमारे पहाड़ों में ये पेड़ नहीं होते हैं। ऐसा पेड़ भी है जो आपने समय में थे और अब नहीं दिखाई देते? लेकिन हमारे समय में जो थे पहले पेड़ बहुत थे,
लेकिन आजकल जो पेड़ ये हैं जैसे नींबू, खुमानी, आड़ू, सेब और जैसे संतरा, ये पेड़ जो है अब लोग बाज इसको कम लगाते हैं और यहाँ होते भी कम हैं, लोगों में इसकी दिलचस्पी नहीं है। आपने कभी कोई पेड़ पौधे उगाए हैं? हमने पेड़ पौधे पहले नींबू उगाए थे, आड़ू उगाए थे, सेब हो गया, खुमानी हो गया। आप हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है? हमें पेड़ों से हवा मिलती है, पानी मिलता है, स्वच्छ वातावरण मिलता है, छाया मिलती है। थैंक यू।